तर्पण यानी देवताओं को, ऋषियों एवं पितरों को तंदुल या तेल मिश्रित जल अर्पण करना। वैसे तो अपने पितरों के लिए तर्पण सभी करते हैं, लेकिन देश के अनाम वीरों के लिए तर्पण करने की अनूठी पहल इवान की ओर से की जाती है। भारत माता के जाबाज सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना खून जमा देने वाले ग्लेशियर में बर्फीले तूफान अवलान जैसे विपरीत परिस्थिति में देश की एक एक इंच सीमाओं की रक्षा में सतत निडरता से साहस का परिचय देते हुए तैनात रहकर भारत माँ की अमूल्य सेवा में समर्पित रहते हैं। कभी कुछ सैनिक इन बर्फीली आंधियों का सामना करते करते अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, लेकिन इन जाबाजों का पार्थिव भी निकालना नामुमकिन हो जाता है। वैसे ही कुछ सैनिक युद्ध में लापता हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु की खबर नहीं मिल पाती है। ऐसे बलिदानी जिन्हें हम अनामवीर कहते हैं, इनकी आत्मा की शांति के लिए माजी वायु सैनिक कल्याण संगठन इवान नागपुर गत 5 साल से श्राद्ध पक्ष में तर्पण अनामवीरों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। इस साल भी यह कार्यक्रम रविवार को अमर जवान स्मारक अजनी में सम्पन्न हुआ। इसमें संतोष काले के साथ उपस्थित इवान सभी ने इन अनाम वीरों को विधिवत तर्पण अर्पण किया और इन अनाम वीरों की पवित्र आत्मा की शांति के लिए कामना की। तर्पण कार्यक्रम में नागपुर के भूतपूर्व सैनिक अजनी के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही ब्रिगेडियर सुनील गांव पांडे, रिटायर्ड इवान के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत नांदुरकर, सचिव अजय गाड़वे तथा इवान पदाधिकारी सर्वश्री संतोष काले, सुभाष भुसारी, देवदत्त खातखेड़े, चंद्रशेखर कुलकर्णी, महेश आंबोकर, राजू धांडे, सुधाकर सारवे, प्रमोद माकुड़े, विवेक समर्थ, निशिकांत मेनकुदरे, प्रशांत नांदुरकर, परीक्षित कुलकर्णी, राजेंद्र जायसवाल, सचिन खेड़ीकर, प्रफुल्ल चिद्दरवार आदि उपस्थित थे। साथ ही अजनी के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। The cool new Glanza. Go hatchin'. Go awesome.